नमस्कार दोस्तों, स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले बताइए, क्या आप मानते हैं कि ड्रैकुला होते हैं या नहीं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट में बताएं। इंटीमेट दुनिया आज एक्सप्लेन करने जा रहा है 1989 में रिलीज हुई मूवी डांस ऑफ द डेमन। यह कहानी है एक ड्रैकुला की जो 200 साल जीने के बाद भी अपनी जिंदगी प्यार के लिए कुर्बान कर देता है। तो विदाउट एनी डिले मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक ड्रैकुला को देखते हैं जो 200 साल से जिंदा था। तभी उसे एक डांस बार का बोर्ड दिखता है जिसे देखकर उसे अंदर जाने का मन करता है और वो अंदर चला जाता है। वहां उसे एक बहुत खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम जूडी था वो डांस कर रही थी। वह उसे देखकर एक पल के लिए रुक सा जाता है। ऐसे तो उसे लड़कियों में कोई रुचि नहीं थी, पर उसे उस लड़की पर बहुत तरस आता है। जब तक वो यह सब सोच ही रहा था तब तक वह लड़की ड्रेसिंग रूम में चली जाती है और कोई दूसरी लड़की डांस करने के लिए स्टेज पर आ जाती है। क्योंकि वो एक ड्रैकुला था तो इसलिए उसके पास कुछ अनोखी शक्तियां भी थी। इसलिए वो जब ड्रेसिंग रूम की ओर गौर से देखता है तो उसके लिप्स को पढ़ने की कोशिश करता है। उस समय वह लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी, पर वह यह समझ नहीं पाता कि वो क्या बात कर रही है। वह लड़की तभी अपने पति से बात कर रही थी जो उसको धोखा देकर उसके बच्चे को लेकर चला गया था। क्योंकि आज के ही दिन उसके बच्चे का जन्मदिन था इसलिए वह सिर्फ उससे एक बार मिलना चाहती थी, पर उसका पति उससे मिलने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका था। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही शो खत्म होता है और सारे डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाते हैं तभी ड्रेसिंग रूम में जूडी कुछ टेबलेट ले रही थी। उसे टेबलेट लेते हुए उसकी दोस्त ने देख लिया और कहा, अगर तुम्हें मरना ही है तो यह लो बंदूक, एक बार में अपने आप को खत्म कर लो, पर टेबलेट लेकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब जूडी अपने घर जा रही थी तो उसे हमारा ड्रैकुला रोक लेता है और उसे एक रात अपने साथ बिताने को बोलता है। इन सब चीजों के बदले वह उसे $1,000 देते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ सुबह तक बस बातें करो। जूडी शुरुआत में तो बिल्कुल तैयार नहीं थी, उसे लगा कि वह उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने जूडी को पैसे का लालच दिया तो पैसे की मजबूरी में उसके साथ चली जाती है। वो लोग एक बस में बैठते हैं। जूडी अभी भी थोड़ा थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर वह फिर बस में उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। वह दोनों शांति से बस में बैठे हुए थे। अगले स्टॉप पर दो लड़के नशे की हालत में बस पर चढ़ते हैं। जैसे ही उन दोनों लड़कों की नजर जूडी पर पड़ती है तो वो दोनों तुरंत जूडी के पास आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। उसे गलत तरीके से टच भी करते हैं। जूडी उन्हें मना भी करती है, पर वह जूडी को अपने साथ अपने घर चलने को कहता है। तभी जूडी ड्रैकुला की ओर देखती है। ड्रैकुला के पास एक गुलाब का फूल था। जैसा कि आप जानते ही होंगे गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। उसने कांटों से ही एक लड़के की आंख फोड़ दी और तुरंत बस से उतरने को कहा। दोनों ही लड़के डर गए थे इसलिए वह तुरंत बस को रोक के बस से उतर जाते हैं। कुछ देर बाद वह दोनों भी बस से उतर जाते हैं। जूडी बहुत देर से ही ड्रैकुला के साथ चल रही थी। वह चलते चलते थक गई थी इसलिए उसने ड्रैकुला से पूछा कि उसका घर कहाँ है और वो कितनी दूर है। ड्रैकुला उसे बताता है कि हम बस पहुंच गए हैं। इसी के साथ वह एक घर की ओर उंगली दिखाते हुए बोलता है कि यही मेरा घर है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। जूडी कहीं ना कहीं अभी भी घबरा रही थी, पर वह तब भी घर के अंदर चली ही जाती है। जैसे जूडी घर के अंदर जाती है ड्रैकुला तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है। जूडी तभी थोड़ा सा डर जाती है, पर वह तब भी कुछ नहीं बोलती। ड्रैकुला जूडी से ड्रिंक के लिए पूछता है। फिर ड्रैकुला जूडी और अपने लिए वाइन लाता है। जूडी को गिलास देते हुए वह जूडी के बहुत ही करीब आ जाता है। जूडी तभी उसके बड़े बड़े नोकीले दांत देखते ही वह डर जाती है और अपने वाइन के गिलास को तोड़कर उसको डराने की कोशिश करती है। मगर ड्रैकुला उस टूटे हुए गिलास से बिल्कुल नहीं डरता, इसलिए जूडी उसे धक्का देकर तुरंत अपने बैग के पास जाती है जहाँ पर उसने अपनी बंदूक छुपा रखी थी जो उसके दोस्त ने दी थी। वो बंदूक निकालती है और ड्रैकुला पर 2-3 गोलियां चला देती है और ड्रैकुला थोड़ी देर के लिए फर्श पर गिर जाता है।
यहाँ पर जूडी को लगता है कि उसने उसको मार दिया है, इसलिए वह तुरंत घर से भागने की कोशिश करती है, पर उससे ना गेट खुलता है ना उसे कोई और रास्ता घर से बाहर जाते हुए दिखता है। ड्रैकुला थोड़ी देर में वापस खड़ा हो जाता है और जूडी को रोकने की कोशिश करता है। उसे बोलता है कि वह उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसे उस पर तरस आता है, क्योंकि वह भी जीना नहीं चाहती। इस समाज ने उसे सिर्फ कष्ट दिया है। जूडी सोचती है कि ड्रैकुला उसका सिर्फ फायदा लेना चाहता है, इसलिए ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहा है। मगर ड्रैकुला के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे पता नहीं क्यों जूडी पसंद आने लगी थी, क्योंकि आज तक उसका कोई दोस्त नहीं था जो उसके घर आया था, या पहली लड़की थी जो उसके घर तक आई थी। अब तक वह समझ गई थी कि वह इतनी देर से जिसके साथ बैठी है वह एक ड्रैकुला है, क्योंकि जो आदमी बंदूक की गोलियों से नहीं मरा वह कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता। ऐसे तो ड्रैकुला दूसरों के खून पर ही जिंदा रहते हैं, लेकिन वह जूडी को नहीं मारना चाहता था क्योंकि उसे उस पर बहुत तरस आ रहा था। जूडी को इस तरह देखकर जूडी उसे कहती है कि वह कभी भी माँ की ममता को नहीं समझेगा। वह सिर्फ अपने बच्चे से मिलना चाहती थी क्योंकि आज उसके बच्चे का जन्मदिन था। वह फिर अपनी पूरी कहानी एक ड्रैकुला को बताती है कि कैसे एक अमीर इंसान उसे अपने प्यार में फंसा देता है और फिर उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसकी एक पहले से बीवी थी और वह बांझ थी। उसने सिर्फ बच्चे के लिए जूडी से शादी की थी। जैसे ही बच्चा हुआ वह बच्चे को लेकर चला गया और यहाँ तक कि जूडी से शादी भी तोड़ दी। ड्रैकुला बोलता है कि वह माँ की ममता को अच्छे से समझता है क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए जान दे दी थी। इस समाज में उसकी माँ को जिंदा जला दिया था क्योंकि वह एक ड्रैकुला की माँ थी। असल में हुआ यह था कि ड्रैकुला जिस घर में रहता था समाज ने उस घर में ही आग लगा दिया था। ड्रैकुला की माँ ने कैसे भी करके ड्रैकुला को बचा लिया, पर खुद को बचा ना पाई। फिर ड्रैकुला जूडी को तुरंत तैयार होने को बोलता है और फिर वह दोनों कहीं निकल जाते हैं। जूडी को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, पर ड्रैकुला उसे उसके बच्चे से मिलाने लेकर जा रहा था उसके पति के घर। जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है, ड्रैकुला अपनी पावर के जरिए जूडी को पकड़कर सीधा उसके बच्चे के कमरे में खिड़की से अंदर घुस जाता है। जूडी अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। जूडी का बच्चा तभी चैन से सो रहा था। वह धीरे से उसके पास जाती है और उसको बर्थडे विश करती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले मिलता है। तभी दरवाजे के बाहर लाइट जलती है और ड्रैकुला समझ जाता है कि कोई कमरे में आ रहा है, इसलिए वह तुरंत जूडी को लेकर चुपचाप खिड़की बंद करके वहाँ से चला जाता है। जूडी के लिए इतना सब कुछ करने के बाद जूडी भी ड्रैकुला के लिए कुछ अनोखा करना चाहती थी, इसलिए जूडी उसको एक बीच पे लेकर जाती है ताकि ये देख सके कि जब उसके बदन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो कैसा अनुभव होता है, यह उसे भी महसूस करा सके। वह दोनों बीच पर जाते हैं और एक कंबल बिछाकर उस पर ड्रैकुला को बिना कपड़े के लेटने को बोलती है। तब तक जूडी जाकर एक बहुत ही विशाल लाइट जो कि बीच की निगरानी के लिए थी उसे ऑन करती है और टॉर्च लाइट को ड्रैकुला की ओर मोड़ देती है। फिर उसके पास जाकर वह उसे सूरज की किरणें जब बदन पर पड़ती है या महसूस कराती है, क्योंकि ड्रैकुला तो सूरज की रोशनी में आकर मर जाते हैं, इसलिए वह हमेशा सूरज की किरणों से बचते रहते हैं। इसके बाद जैसे ही वह लोग वापस टैक्सी में बैठते हैं, ड्रैकुला ड्राइवर को डांस बार ले जाने को बोलता है। यह वही डांस बार है जहाँ जूडी परफॉर्म करती है। जूडी बोलती है हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। तभी ड्रैकुला बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक और बार डांस करना होगा। वह दोनों बार जाते हैं और बार में जूडी कपड़े बदल कर सिर्फ ड्रैकुला के लिए डांस करती है। जूडी उसके सामने खुलकर डांस करती है। उसने ऐसा डांस कभी भी किसी के लिए नहीं किया, पर वह पहली बार ड्रैकुला के लिए ऐसे डांस कर रही थी, क्योंकि वह भी अब ड्रैकुला से मोहब्बत करने लगी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह समाज उसे सिर्फ दुख दे रहा है। एक ड्रैकुला ही है जो उसे उसकी हक की खुशी दे रहा है। और फिर वह दोनों आखिरी में एक दूसरे को किस भी करते हैं और फिर इंटीमेट भी होते हैं। फिर वहां से निकलकर वह घर की ओर वापस जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर को एक केस का बैग देते हैं और फिर बोलते हैं कि उसे आज रात के बारे में भूल जाना है कि उसने किसी को भी आज लिफ्ट नहीं दी। या बोलकर वह दोनों घर चले जाते हैं।
घर आते ही जूडी ड्रेकुला को बोलती है कि उसे भी अमर होना है, क्योंकि वह ड्रेकुला के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। और ड्रेकुला यह जानता था कि यह तभी हो सकता है कि जब जूडी किसी ड्रेकुला का खून पी ले। इसलिए जूडी ड्रेकुला का खून पी लेती है। उसे पहले तो चक्कर आता है जैसे वह नशे में हो, क्योंकि एक ड्रेकुला की प्यास भी खून ही थी, इसलिए वह जूडी का खून पीता है। जूडी को लगता है कि वह भी एक ड्रेकुला बन चुकी है, इसलिए वह उसको धक्का देकर तुरंत घर के बाहर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और सूरज भी निकल गया था। इससे वह जैसे ही सूरज की रोशनी में जाएगी वह भस्म हो जाती, पर ड्रेकुला ऐसा करने नहीं देता। इसलिए जूडी तुरंत अपने आप को बाथरूम में जाकर बंद कर लेती है और बाथरूम की खिड़की खोल देती है। जैसे सूरज की किरणें उस बाथरूम में आने लगी थी, और उस ही वक्त ड्रेकुला भी बाथरूम का दरवाजा तोड़कर बाथरूम में चला जाता है, और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती। तो दोस्तों, मूवी तो काफी इंटरेस्टिंग थी। आपको क्या लगता है कि उस ड्रेकुला के साथ क्या हुआ होगा? क्या वह जूडी को बाद में बचा पाया होगा कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।